टीकमगढ़ शहर के पुलिस लाइन में स्थित पुलिस आवास भवन का प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर के द्वारा पूजन कर एवं फीता काट कर लोकार्पण किया गया। पुलिस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नवीन पुलिस आवास भवन का वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर फीता काट कर लोकार्पण किया गया। उसके साथ ही पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने के लिए वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक सहित पुलिस विभाग के आला अफसर मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सुरेश प्रभाकर, संवाददाता। आज देखिए टीकमगढ़ जिले में शुभारंभ हुआ है भवन का, जो हमारे कांस्टेबल हैं, जो और अधिकारी हैं, उनको रहने के लिए नए भवन का निर्माण हम लोगों ने कराया है। पहला भवन जो बनकर तैयार हमारा हो गया, दूसरा भवन जो सामने लगभग पूरा होने को है, तीसरा एक और भवन हम बनाना चाहते हैं जिसका काम हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर शुरू करेंगे, ताकि जितने भी हमारे कांस्टेबल हैं, दूसरे छोटे कर्मचारी हैं, उनको रहने के लिए हम जगह दे सकें। तीन थाना भवन कुड़ीला, टीकमगढ़ देहात और दिगौड़ा, तीन थानों की नई बिल्डिंग बनाने के लिए भी आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। और ये क्रम यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक रहने के लिए किसी भी कर्मचारी को अच्छा मकान नहीं होगा, वातावरण अच्छा नहीं होगा, पीने का पानी नहीं होगा, तब तक स्वाभाविक रूप से मानसिक पीड़ा से उनको गुजरना पड़ता है। उस दिशा में माननीय कमलनाथ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चिंता प्रकट की और ये शुरुआत की है। और ये जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय और उसके बाद उसके नीचे तक इस क्रम को हम ले जाना चाहते हैं, ताकि हर किसी को, हर कर्मचारी को हम ये सुविधाएं मुहैया करा सकें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हुआ है और जहां मकान रहने को और वृक्ष, तो स्वाभाविक रूप से वृक्ष ही जीवन है, उसी से हमें जल है, उसी से हमें ऑक्सीजन है, उसी से हमें फल है। हमारे बुजुर्गों ने जो पेड़ लगाए उसका हम आनंद प्राप्त करते हैं। आज हम जो पेड़ लगाएंगे, आने वाली कल की जो पीढ़ी है वो इसका आनंद प्राप्त करेगी। इस मकसद को लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर सफल हुआ है। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्री जी, गोवा में और कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं, अब मध्य प्रदेश में भी हवा चलने लगी है। मध्य प्रदेश में किसी तरह की कोई हवा नहीं, मध्य प्रदेश में ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये ठंडी ही रहेगी। गोवा का और वहाँ का आप छोड़िए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस यहाँ भी, कहा होगा किसी ने भी कहा हो, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने देखना किसी का गुनाह नहीं है। सपना कोई भी देख सकता है, और जो मुंगेरी लाल के सपने देखने का काम कर रहे हैं, मैं केवल इतना कह सकता हूँ, वो सपने देखते रहेंगे, लेकिन हसीन सपने देखने में 5 साल अभी इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश में बिजली का दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। सरकार की भी मंशा है कि हर जगह वो वृक्षारोपण को आगे काम कराना चाहती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है केवल सरकारों की दम के तीसरे में रहेंगे। और आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार आपकी चिंता के लिए, आपकी मानसिक पीड़ा को देखते हुए, जैसा यादव सिकरी ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो छुट्टियां आपको मिली थी, अभी कप्तान साहब से हमारी बात हो रही थी, बीच में चुनाव की वजह से थोड़ा सा शायद गैप पड़ रहा था, वो फिर से जो है सप्ताह में एक छुट्टी आपको मिले, ये सरकार की मंशा है और ये व्यवस्था आपके लिए हम करना चाहते हैं। लेकिन आप सबसे भी प्रार्थना कि जो हमारे गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति है नीचे, बड़े लोग तो अपना फायदा ले जाते हैं, अपना काम करा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो कोने के जिले के दूसरे छोर के ऊपर बसा है, कई बार वो जो है अपने अपने नाम को लगाओ। पार्वत जी लगाइए। इससे पहले भी करीब 250 पेड़ अभी लगवाए थे सर, लाइन में और थानों में बैठ के।